हिंदी में संस्कृत में श्री गणेशाय नमः मंगल मूर्ति नमः। सुजेहि सुमिरत सिद्धि होइ गण नायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। श्री गणेश जी जिनके सुमिरन मात्र से ही सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। ये संस्कृत में हिंदी में हिंदी तो उनका याद करके अब आज प्रसंग है कि श्री रामचरित मानस किस प्रकार बना और किस हेतु जग में इसका प्रचार हुआ। अब वही सब कथा मैं कहने जा रहा हूं। माता गौरी भगवान शंकर जी का स्मरण करके तो कल हम यही दोहा पर रुके थे कि जस मानस जेहि विधि भयो जग प्रचार जेहि हेतु अब सोई कहूं प्रसंग सब सुमिरी उमा ब्रिसके। अर्थात माता गौरी और भगवान शंकर जी का स्मरण अवश्य करना चाहिए किसी भी समय, जब भी कोई शुभ कार्य हो, अच्छा प्रसंग की बात हो तो करना चाहिए। तो कहते हैं कि भगवान शंकर जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का उनके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास जी ये श्री रामचरित मानस का कवि हुए हैं। ये भगवान शंकर जी की ही कृपा है कि इतने बड़े सुंदर ग्रंथ के कवि तुलसीदास जी हुए हैं। और कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाते हैं, किंतु फिर भी सज्जन लोग आप जैसे भक्त लोगों से विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि यदि हमसे कोई गलती होगी तो उसको भूल को सुधार लीजिएगा। जी इतना बड़ा संत होकर के भी ऐसा विनम्र भाव है प्रमाण के लिए कि शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी अकरई मनोहर मति अनुहारी सुजन सुचित सुनी लेहू सुधारी। और फिर कहते हैं कि सुंदर सुंदर यानी सात्विकी, हम जब रजो तमो और सतो की बात करते हैं तो उसमें तमो और रजो सुंदर नहीं है, सुंदर तो सात्विक ही है। तो सात्विक बुद्धि ही भूमि है इनके लिए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो सात्विक बुद्धि है हाँ वही है भूमि और हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। हृदय ही गहरा स्थान है और वेद पुराण समुद्र है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत ही मेघ है। साधु संत ही मेघ है, मेघ है यानी बादल है। अब यही बारिश करेंगे तो अभी आपके हृदय रूपी समुद्र में माने हृदय रूपी जो गहरा स्थान है उसमें
वेद पुराण का जो तत्व है उसी तत्व को मैं डाल करके देखिए हम कैसे जो है भरते हैं। और कहते हैं कि जो श्री राम जी का सुंदर यश रूपी मधुर और मनोहर मंगलकारी जो जल है उसी की वर्षा कर रहे हैं। उसी की वर्षा हो रही है ना, एक बार फिर कि सुंदर सात्विक बुद्धि ही भूमि है। जो सात्विक बुद्धि है यही भूमि है और उसमें हृदय गहरा स्थान है, गहरा स्थान है हृदय। और वेद पुराण समुद्र है, और जो साधु संत है वो यही बादल है। और ये बादल जल क्या बरसा रहे हैं इसमें, कि श्री राम जी का जो सुयश रूपी सुंदर मधुर और मनोहर चरित्र है वही जो है कि मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। अब यही वर्षा हम कर रहे थे आपको, यही आप उससे द्रवित हो रहे हैं। और प्रमाण के लिए कि सुमति भूमि थल हृदय अगाधु वेद पुराण उदधि घन साधु। घन माने बादल। बरस ही राम सुजस बरबारी, बारी माने जल। मधुर मनोहर मंगलकारी, कैसा जल, जो कि राम जी का सुजस जो कि मधुर और मनोहर है। जब राम जी का चरित्र सुनते हैं तो एक माँ भी यही चाहती है कि अगर मेरा बेटा अगर इतना आज्ञाकारी हो राम जी जैसा कि उनकी बाणी सुन करके जंगल चले जाते हैं जी, तो ऐसा पुत्र कौन माँ नहीं चाहेगी, सभी देखिएगा। और कहते हैं कि जो सगुण लीला का विस्तार का वर्णन करते हैं, सगुण माने जो शरीर से उन्होंने लीला किया है, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है। ये बात समझ में आ रही है कि जो उनका चरित्र है वही उस जो सुयस रूपी जल है उसी की निर्मलता है, जो सारे कलयुग के मल को पूरा नाश कर देती है। कलयुग का कोई भी मल हो, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर कपट दंभ पाखंड झूठ धोखा, ये सारे मल को यह भगवान श्री राम जी का चरित्र पूरा का पूरा नाश कर देता है। ऐसा नहीं है कि वैसे ही कहा गया है। और कहते हैं कि जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, हाँ वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। प्रमाण के लिए कि लीला सगुन जो कहीं बखानी असोई स्वच्छता करई मलहानी, प्रेम भक्ति जो बरनी न जाई सोई मधुरता सुशीतलताई। और क्या कहते हैं कि वह श्री राम जी का सुयस रूपी जल सत कर्म रूपी धान के लिए हितकर है। माने इसको सुनने के बाद जो भी कर्म होंगे वो सत कर्म ही होगा, जैसे आप देख रहे हैं। अब हमको अमेरिका में जाके कोई वैज्ञानिक गिरी कुछ नहीं करना है। जो कार्य होगा वो सत्कर्म का ही कार्य होगा। और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है, जैसा आप देख रहे हैं कि हम यही चर्चा करते हैं यही सुनते हैं यही अपना जीवन ही बना लिए हैं जी। और पवित्र जल बुद्ध रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से, यह जो पवित्र जल है यानी श्री राम जी का सुयस चरित्र
यह कान रूपी मार्ग से चलता है और मानव के हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो जाता है। बात समझ में आ रही है? नहीं तो बता दे रहा हूं कि ये जो भगवान श्री राम का सुयश रूपी सुंदर जल है, जल है, इसको हम जल का रूप दे रहे हैं, जो कि कान के रास्ते से जाती है और हृदय के गहराई में जाके बैठ जाती है। जैसा कि आपका बैठ रहा तो आप बोल रहे हैं कि बहुत आनंद आ रहा है, तो यही है कि वो जाकर के वहां हृदय में बैठ जाती है, स्थिर हो जाती है और वही पुराना होकर जब उसी का स्मरण करते रहेंगे तो वो बिल्कुल अस्थाई हो जाएगा, फिर आपको दूसरे का चरित्र अच्छा लगेगा ही नहीं। तो आप राम ही को जो है अपना पुत्र, अपना माता पिता सब कुछ मान करके उन्हीं में खो जाएंगे और यही है मुक्ति का व्यवस्था। जैसे कह रहे हैं प्रमाण के लिए कि सो जल सुकृत सालिहित होई राम भगत जन जीवन सोई अमेघ मही गत सो जल पावन सकिल श्रवण मग चले सुहावन भरे सुमानस सुथल थिराना सुखद शीत रुचि चारु चिराना। और इसके बाद कहते हैं कि इस कथा में बुद्धि से विचार कर, ध्यान दीजिएगा कि इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद है, चार बता रहे हैं। वो संवाद किसके किसके बीच में हुआ है? वो भगवान शंकर और माता गौरी के बीच में हुआ है। शंकर जी ने इस कथा को माता गौरी यानी पार्वती जी को सुनाए हैं और काक भुसुंडी जी जो विष्णु जी के वाहक गरुड़ जी हैं उनको सुनाए हैं और याज्ञवल्क जी भारद्वाज मुनि को सुनाए हैं। ये तीन हो गए, चौथा है तुलसीदास जी, ये सब संतों को सुनाए हैं और मैं इसमें पांचवा जोड़ दे रहा हूं जहां पर डॉक्टर ज्ञान प्रकाश श्री सरदारी लाल जी को सुना रहे हैं, क्योंकि यही व्यवस्था है, उन लोगों ने ऐसे ही कहा है। अब यही पवित्र है, ये जो सुंदर श्री राम जी का चरित्र है, यही जो है चार मनोहर घाट है। तालाब है तो उसके घाट भी तो होंगे, तो चार है, पांचवा बन जाएगा, आगे आएगा, आगे जब रामचरितमानस लिखा जाएगा और आपकी व्यवस्था आप देखेंगे कि आप रामचरितमानस जब तक चल रहा है और आपका चर्चा से, तो आप स्वयं बताएंगे कि हमको वह ज्ञान अमृत प्राप्त हुआ है, तो इसका भी आगे जिक्र हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये 24वां साल चल रहा है वनवास का और आप भी इतने समय से भक्त हैं। विचार के प्रमाण के लिए देखिएगा कि सुठ सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि बिचारी ते यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। यही चार मनोहर घाट इसमें हैं। तो अब समझ में आ गया कि यह एक बिल्कुल सरोवर है और इसमें जो चारों संवाद हुए हैं उसमें भगवान शंकर जी और माता गौरी के भी बीच में हुआ है। शंकर जी ने पूरी बात सुनाई है तब जाकर के माता पार्वती श्रद्धा स्वरूप बनी है। इतना आसान नहीं है। अभी जब आप भी सुन लेंगे तब आप भी भक्त शिरोमणि भक्त कहलाएंगे, भक्तों के शिरोमणि आप बन जाएंगे बड़े आराम से। और क्या कहते हैं
कि इस रामचरितमानस में सात कांड हैं, सात कांड हैं, और यही जो है सात कांड सात सीढ़ियां हैं जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। इन सातों कांडों को जब ज्ञान से आप विचार करेंगे, तो अभी आप सुने नहीं है, मैं चूंकि सुन चुका हूं इसलिए मेरा तो मन वैसे ही जो है याद करके ही प्रसन्न हो जा रहा है। हाँ। और श्री राघुनाथ जी का जो निर्गुण, निर्गुण यानी प्राकृतिक गुणों से बाहर, और निर्बाल माने एक रस महिमा का जो वर्णन किया गया है, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। प्रमाण के लिए कि सप्त प्रबंध सुभग सो पाना ज्ञान नयन निरखत मन माना रघुपति महिमा अगुण अबाधा बर नब सोई बर बारी अगाधा। और इसके बाद तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री रामचंद्र जी और सीता जी का जो यश अमृत के समान जल है। हाँ। इनका जो सुंदर यश है। हाँ। वो अमृत के समान सुंदर जल है। या। जो इसमें उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। या। जो उपमाएं आपको मैं सुनाता हूं और जब बताता हूं तो आप बोलते हैं बिल्कुल ठीक, माने एकदम साफ साफ है, वही मनोहर विलास है। तो जब यह विलास मिल जाता है तो संसार के भोग वस्तु का विलास बहुत फीका पड़ जाता है। वो चिली पनीर में, पनीर कोफ्ता में वह सुख नहीं प्राप्त होता जो इस यहाँ से प्राप्त होता है, है कि नहीं। और जो सुंदर चौपाइयां हैं इसमें घनी फैली हुई कमलिनी है, जो हम चौपाई पढ़ रहे हैं यही पुरैन यानी कमलिनी है। और कविता की युक्तियां सुंदर मणि यानी मोती उत्पन्न करने वाली सुंदर सीपियां हैं, सीप में ही मोती उत्पन्न होती है ना जी। प्रमाण के लिए कि राम सीय जस सलिल सुधा सम उपमा बीच बिलास मनोरम पुरैनि सघन चारु चौपाई जुगुति मंजुमणि सीप सुहाई असंछंद सोरठा सुंदर दोहा सोई बहु रंग कमल कुल सोहा अरथ अनूप सुभाव सुभासा सोई पराग मक रंद सुभासा। बढ़िया, क्या बोले जा रहे हो? एकदम सही बोल रहे हैं, एकदम। आप चिंता न करें कि जो सुंदर छंद सोठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमल के समूह सुशोभित हैं। जो सुंदर छंद और सोठा मैं पढ़ रहा हूँ, दोहा पढ़ रहा हूँ, हाँ वही जो है कि कमलों से के समूह से सुशोभित है। और अनुपम अर्थ, जो इसका अर्थ निकल रहा है, जो सुन करके आपको लग रहा है कि राम नाम ही सत्य है, और सच बात यह है कि राम नाम ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। लेकिन अज्ञान के कारण लगता है कि अगर आप बोल रहे हैं तो लगता है कि मर रहे हैं। अरे भाई, मरने के बाद ही राम नाम सत्य है? नहीं, नहीं, तो क्या जीते जीते झूठा है? जीते जी राम नाम सत्य। अरे अभी तो क्या है कि अभी तो सबको राम नाम सत्य का जो है कि वो बोलना चाहिए, भक्ति में यही होता है। और क्या कहते हैं कि जो ऊंचे भाव और सुंदर भाषा के पराग है। हाँ। वही मकरंद यानी पुष्प रस और सुगंध है। हाँ। अब जिस आवाज में मैं बोल रहा हूं यही सच्चा सुगंध है, अच्छा गंध है। तो इस गंध के आगे अब आपको जो है कि वो क्या कहते हैं, कौन सा पार्क है, वो जो स्प्रे वगैरह होता है वह सुगंध फीका पड़ जाता है और हमारी वाणी आपको बहुत अच्छा लगती है
जी और ध्यान दीजिएगा, अरे मनुष्य जीवन के चार लाभ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो कहते चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना और काव्य के जो नौ रस हैं, काव्य के कविता के नौ रस हैं, जप तप योग और वैराग्य के जो प्रसंग है, अभी इसमें आएंगे सब, वे जो है इस सुंदर सरोवर के जलचर जीव हैं। अब जो जल में पक्षियां भी होते हैं ना, जो तालाब होते हैं, तो यही जो जप तप योग और वैराग्य के जो प्रसंग है और अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का जो विचार है, यही सब इस सुंदर सरोवर के यानी सुंदर तालाब के जलचर जीव है। प्रमाण के लिए कि अर्थ धर्म काम आदिक चारी कहब ज्ञान विज्ञान विचारी नवरस जप तप जोग बिरागा ते सब जल चर चारु तड़ागा। अब आप जैसे जो पूर्ण आत्मा हैं, अब वैसे पूर्ण आत्मा लोगों के लिए साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल की पक्षियों के समान है। ये जो आप जैसे पुण्यात्मा हैं, ऐसे लोगों के, मतलब इसमें पुण्यात्मा लोगों की बातें कही जाएंगी ना, जैसे पुण्यात्मा है भगवान के ही माता पिता, माता कौशल्या, पिता दशरथ जी, वाल्मीकि जी और श्री सरदारी लाल जी, जिनकी बाड़ी मैं स्वयं बोल दे रहा हूँ और इसमें रिकॉर्ड भी हो रहा है, चिंता नहीं करिए, आप जब सुनेंगे तो यह शब्द आएंगे। तो इन सब लोगों के ये जो लोग हैं, ये सुंदर इस जलचर पक्षियों के समान हैं और संतों की सभा, संतों की सभा इसमें आएगी, वह इस सरोवर के चारों ओर की अमराई यानी आम की बगीचियां हैं। जब तालाब होता है तो तालाब के चारों ओर बगीचियां भी होती हैं, तो यही जो संतों की सभा है, ये सब बगीचियां हैं जहां श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। जो आपके अंदर श्रद्धा है, यही वास्तव में बसंत ऋतु के समान है और बसंत ऋतु आने ही वाला है। बस यही 15 जनवरी के बाद शुरू हो जाता है बसंत ऋतु जी। प्रमाण के लिए कि सुकृति साधु नाम गुण गाना ते विचित्र जल विहग समाना असंत सभा चहू दिशि अवराई श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। अगर इस चरित्र को सुनने में अगर श्रद्धा ना हो तब तो सब बेमजा हो जाएगा। श्रद्धा जी, तो जो श्रद्धा है वही बसंत ऋतु के समान है। और नाना प्रकार के भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम, क्या क्या क्षमा दया और दम, और दम, दम माने होता है इंद्रिय निग्रह। जैसे आप देख रहे हैं शरीर की सारी इंद्रियां बिल्कुल निग्रहित है, मेरा न तो स्पर्श, न अग्नि, लला लक्ष्मी, किसी से कोई अर्थ नहीं है, तो इंद्रिय निग्रह ये लताओं के मंडप हैं। और मन का निग्रह, मन का निग्रह वही है सम, सम सम माने मन का निग्रह। यम, यम माने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। आप देखेंगे तो इस शरीर में आपको सब कुछ दिखाई देगा। अपरिग्रह माने धन का संचय न करना, और पता चला कि हम एक सिक्का कभी छू ही नहीं सकते,
धर्म को हमें लेना ही नहीं है। अहिंसा, किसी का हिंसा तो करने का कोई प्रश्न नहीं उठता, जो भी बोल रहे हैं सत्य ही बोल रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर ही रहे हैं। देखिए सब सारे चरित्र का जो है इसको जानने के बाद में अपने आप ही चरित्र में आ जाते हैं। सम दम यम नियम, नियम अच्छा नियम भी है, नियम में है शौच यानी पवित्रता, संतोष। आप जो कहते ना कि हमको तो बड़ा अच्छा संत लगते भैया, ये बड़ा संतोषी है, इनको कुछ मिले ना मिले कोई दे दिया तो खा लिए, नहीं तो कुछ मांगते नहीं है, तो हमको यही से तो सब प्राप्त हुए हैं जी। संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, माने कि हम ईश्वर स्वरूप में ही अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हम उन्हीं के अंश हैं, बाकी ये शरीर का कोई मतलब है ही नहीं। यही सब जो है कि ये फूल हैं, ये जो बगीचे हैं तो ये सब इसके फूल हैं, और मेरा जो ज्ञान है वही सच्चा फल है। यह जो है ये इंजीनियरिंग और मेडिकल का फल नहीं, यह जो ज्ञान है यह ज्ञान ही वास्तव में सच्चा फल है प्रभु। बहुत रहस्य की बात है। और श्री हरि के चरणों में प्रेम, वह इस ज्ञान रूपी फल का रस है। फल के अंदर रस होते हैं ना, तो यही जो श्री हरि के चरणों में इतना पवित्र प्रेम हो गया है, यही जो है उस फल का रस है। प्रमाण के लिए कि भगत निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना, समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद बखाना। ऐसा वेदों में भी कहा गया है। हाँ, अब देखिए हम वेद के तत्व को निकाल करके ही सीधे दे दे रहे हैं। ये आप समझ लीजिए कि ये जो गाते हैं टीवी उवी पर ना, वहां पर ये सब बातें नहीं सुनने को मिलती है, वो तो खाली अपने धुन में मस्त रहते हैं जी। तो और क्या है, हेलो, हाँ, और क्या है कि अवरौ कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहु बरन बिहंगा। कहते हैं कि इस रामचरित मानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। समझ रहे हैं, अब देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं प्रभु, है ना। ये सरस्वती ही यही तो कर रही है, और लोग समझते हैं कि तुलसीदास जी क्या लिख दिए हैं, अरे क्या नहीं। अब यही जो है आदमी के पास बस की बात ही नहीं है प्रभु। और ध्यान दीजिएगा कि अब ये तालाब है, इसमें कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है। अब देखिए वाटिका बाग और वन तीन चीज होता है। वाटिका, वाटिका होता है फूलों के, फूलों के जो पौधे होते हैं उनको वाटिका कहते हैं। बाग वो है फलों का, और वन वो जो जलाने की लकड़ियां होती है। तो जो तीन प्रकार की यह व्यवस्था है, कथा का जो रोमांच है और जो सुख होता है, वही सुंदर पक्षियों का विहार है। ये जो कोयल और तोते हैं, जो अनेक प्रकार की प्रसंगे हैं, यही कोयल तोते हैं, इन्हीं पक्षियों का विहार इसमें होता है। और निर्मल मन ही माली है, ध्यान दीजिएगा, निर्मल मन ही माली है। अच्छा, निर्मल मन ही माली है। अब ये कलुषित मन इस बात को नहीं समझ पाएंगे, उनको तो लगेगा कि बस हाँ जो बोल रहे हैं बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन उनके अंदर घुसेगा नहीं। इसीलिए जब मैं पहले दिन आया था तो दूसरे दिन कहा कि कथा शुरू करेंगे प्रभु, बस आप अपने मन को निर्मल जरूर बना लीजिएगा।
याद है ना इस बात को, तो आप कहें कि मैं बिल्कुल बना लिया प्रभु, आप शुरू करते हैं, क्योंकि निर्मल मन ही माली है, और जब माली नहीं रहेगा तो फूल चुनेगा कौन? और अभी निर्मल मन जितना आपके पास है वही ये सारे कथा के तत्व को ग्रहण कर पा रहा है, विकल मन नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता, वो समय नहीं दे सकता, नहीं दे सकते है ना जी। और कहते हैं कि जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों के द्वारा उनको सींचता है, अब इसमें प्रेम होना चाहिए, अगर इसमें मन नहीं लगा तो कौन मन नहीं लगेगा, जो विकल मन हो, जो दूषित मन हो, जिसके वो वो नहीं लगेगा, तो ये प्रेम रूपी जल से इसकी सिंचाई करता है माली। प्रमाण के लिए कि पुलक बाटिका बाग बन सुख सुबिहंग बिचा बिहारू अमाली सुमन सने है जल सींचत लोचन चारू। और अब कहेंगे कि भाई इतना बड़ा तालाब है, बाग है, वन है, वाटिका है, अब इसको संभालने वाला कोई होगा तो कौन रखवाली करेगा इसका? रखवारी करने वाला भी तो कोई होना चाहिए, तो रखवारी कौन करता है कि जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं। हाँ। वो सावधानी से नहीं गाते हैं, वो लोग तो अपना धुन के अंदर बंद कर गए हैं, ये जो टीवी वगैरह पे गाते हैं। हाँ। वो लोग तो धुन के अंदर बंधे हुए हैं। हाँ। अब यहाँ पर देखिए सावधानी कितनी बरती जा रही है कि आपसे बार बार मैं निवेदन करता हूं कि प्रभु जो बात न समझ में आए हमसे बार बार पूछिए, मैं जरूर बताऊंगा। और आप पूछ भी लेते हैं और कहते भी हैं बीच बीच में कि एक बार फिर से कहिएगा। तो वही जो है इस तालाब के सुंदर रखवारे हैं जो अपने चरित्र को संहार करके वही जी इस बार के माली हैं। हाँ। और आप लोग देवता हैं, आप लोग क्या हैं? देवता। कैसे? उसमें बता दे रहे हैं कि स्त्री पुरुष जो सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं। हाँ, वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी और उत्तम देवता है। हाँ, अब लोग बाहर से भले समझ ले खाली एक गुप्ता जी हैं, लेकिन मेरे अंदर जो भाव है आपके प्रति वह एक सुंदर देवता का भाव है कि ठीक है, बहुत अच्छे देवता है, भक्त आदमी है, भक्त शिरोमणि है, मैं इनको यह कथा अवश्य सुनाऊंगा। यही प्रेरणा मुझे वहां से आया था। हाँ, जब मैं हिमालय की तरफ था तो मैं कहा नहीं, वो भक्त आदमी है, अभी हमको, मैं तो किधर भी निकल सकता था ना। हाँ, लेकिन कहीं भी जा सकता था। हाँ, कोई बात भी नहीं थी, लेकिन हम आपको वही देवता समझ करके ही यहाँ पर आए हुए थे एक तरह। हाँ, और आप समझ गए कि हमारे सदगुरु आ गए और उसके बाद में कथा शुरू हो गया, क्योंकि भगवान जो प्रेरणा देते वो गलत नहीं दे सकते कभी। अब देखिए हम ऐसा नहीं कि अपने मन से बोल रहे हैं, अब यह जो है कि प्रमाण है कि जे गा वही यह चरित संभारे ते यही ताल चतुर रखवारे। ये चालाक रखवारे हैं, इनके अंदर कोई कामी लोभी घमंडी वो अपना स्थान नहीं ले सकता है। अगर आपसे कोई कहे अरे ये पंडित जी क्या गाते हैं आप हमसे सुनिए, तो आप कहेंगे नहीं भैया वो आप रहने दीजिए, जैसा बताते हैं वैसा। इस वट वृक्ष के नीचे कोई नहीं बैठ सकता बिना प्रभु की कृपा है ना जी। और क्या कहते हैं कि सदा सुन ही सा दर नर नारी ते सुर बर मानस अधिकारी। अब यही सुर माने देवता और बर माने उत्तम देवता, माने यही मानस के अधिकारी उत्तम देवता होते हैं। आपको यह बात पता नहीं, आप कहेंगे कि हमें गुप्ता जी के परिवार में जन्म मिल गया, लेकिन आप एक देवता स्वरूप है प्रभु। अब आप देवता से सीधे ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे। चलो, आप आपकी कृपा मैं आपको अब आपका जन्म तो नहीं होगा और होगा जब भी ना वो ऐसा नहीं है, जब अगर आप इच्छा हो जाएगी। हाँ।
कि हमें फिर यह कथा सुनने का मौका मिले, तो आप जहाँ भी रहेंगे भक्त शिरोमणि रहेंगे। प्रभु और क्या कहते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, अब हम आपको कुछ यह विशेष बात बताने जा रहे हैं कि आपको तो बता दिए कि आप देवता हैं, और ये प्रमाण भी आपको यहाँ से दे दिए, तो आप कहें कि हम भी देवता हैं, इस संसार में इतने लोग हैं, वे सब देवता क्यों नहीं है? तो जहाँ तालाब होता है वहां पर सिर्फ कोयल और तोते ही नहीं होते हैं, कुछ कौवा लोग भी होते हैं। कौवा लोग ज्यादा होते हैं, ठीक है, कौवा लोग ज्यादा होते हैं, तो तालाब है तो कौवा भी वहां रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये बात सुनकर के आपको बहुत आनंद आएगा। और माता जी यहाँ पर बैठी हुई हैं, चिंता नहीं करिए, हम सबको माँ के रूप में ही देखते हैं। अच्छा। बस हमारे एक ही भाव, वो बेटी भी है तो देवी माँ है, बच्ची भी है देवी माँ है, माँ है, बहन है, बेटी है, सब श्रद्धा स्वरूप है माई, इतना जान लीजिए। और क्या कहते हैं कि जो विषयी लोग हैं उनको अपने विषय में ही मजा आता है। अभी जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ आप बड़ा ध्यान से सुनिएगा, कि अति खल जे विषयी बग कागा, यही सर निकट न जाई अभागा। जो विषयी लोग हैं वो कौवे के और बकुले के समान है, जिनका मन विषय में लगा रहता है वे कौवा और बकुला, बकुला वही जो मछली खाता है, हाँ बकुला जानते हैं ना, हाँ मछली को, जो बकुले का ध्यान बड़ा तेज लगाता है और चोंच मारते हैं, मगरमच्छ कहते हैं ना, नहीं मगरमच्छ नहीं, बकुला सफेद होता है, जहाँ सिंचाई वगैरह होती है बकुला वहां पर पहुंचा रहता है। अच्छा, हाँ हाँ, मतलब कौवा वो बड़ा कुटिल होते हैं। तो जो विषयी लोग हैं माने जिनका मन विषय में लगा हुआ है, ठीक है, वे कौवा और बकुले रूपी लोग होते हैं। और ऐसे लोग इस सरोवर के समीप नहीं जाते हैं, माने राम कथा हो रही है पता होगा अगल बगल, लेकिन लोग यहाँ पर नहीं आते हैं। तो जो नहीं आते वो क्या है, कौवा और बकुला, वो विषयी लोग हैं, उनको यहाँ पर कोई मछली मिलने वाला नहीं है। तो जो लोग नहीं आते वो इस पृथ्वी पर कौवा और बकुला के समान है। हाँ। और वो बेचारे अभागे हैं। हाँ। क्योंकि उनके अंदर भक्ति नहीं है, तो वो क्या यहाँ पर आएंगे। असंभु कभे कैसे वार समाना, इहान विषय कथा रसनाना। अब कौवा को क्या चाहिए, उसको तो मांस चाहिए। कौवा मांस खाते हैं ना। और कहते हैं कि यहां इस मानसरोवर में घोघे मेढक और सेवार के समान, घोघा जानते हैं, फोन आ रहा है आपका, बैठ, वो जो है। हाँ। कि ये लोग जो आते हैं। हाँ। घोघे मेढक और सेवार। हाँ। वे इसमें नहीं है। हाँ। इस सरोवर में नहीं है, इसीलिए जो विषयी लोग होते हैं तो, हरिओम, तो जो विषयी लोग होते हैं उनके लिए यहाँ पर कोई विषय का बात नहीं है, यहाँ पर किसी हीरो हीरोइन की बात नहीं चल रही है, तो उनको यह कथा अच्छी नहीं लगती है, नहीं लगती है। तो ऐसे लोग कौवे और बकुले के बराबर बराबर है। और इसी कारण बेचारे कौवे और बकुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं। हाँ। कुछ लोग आने के लिए सोचते हैं लेकिन कहते हैं वहां पर कुछ मजा नहीं आता, पता नहीं क्या बड़बड़ाते रहते हैं, उनका मन निर्मल नहीं है ना, तो हार जाते हैं, यहां तक नहीं आ पाते हैं, क्योंकि इस सरोवर में आने में बहुत कठिनाइयां हैं। हाँ, कठिनाइयां है तो मन निर्मल होना चाहिए, और मन निर्मल करना आसान बात
नहीं है आज के समय में या किसी भी समय में। और कहते श्री राम जी के कृपा के बिना यहाँ तक आया ही नहीं जा सकता। जब तक श्री राम जी की कृपा नहीं होगी तब तक यहाँ तक आया नहीं जा सकता। यह बात बिल्कुल साफ साफ है प्रमाण के लिए कि तेही कारण आवत ही हारे कामी काक बलाक बिचारे आवत यही सर अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। अब देखिए राम जी की कृपा हुई है तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं प्रभु। और अब देखिए आप कहेंगे कि अरे यार ये तो बड़ा आसान है पूरा समतल जमीन है यहाँ से आ जा सकते हैं आने में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आपको मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ तक पहुंचने में जहाँ यह कथा हो रही है आपको मैं दिखा रहा हूँ कि आपके बगल वाले जो घर के लोग हैं उनके और यहाँ के बीच में कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं। वहां से मैं बात कर रहा हूं। हरिओम। अब क्या है कि जो इनका कुसंग है जो विषयी लोग हैं ताश खेलने में मस्त हैं या तो और भी जो गलत गलत कार्य है हाँ वो जो जो उनका घोर कुसंग है ये बुरा भयानक रास्ता है ये बहुत ही भयानक रास्ता है। और उन कुसंगियों के बचन ही बाघ सिंह और सांप हैं जो उनकी बाणी है उनके कुसंग में रहने वाले लोग हाँ वही जो है कि बाघ सिंह और सांप है। और जो घर के काम काज है कहते क्या करें यार समय ही नहीं मिलता है। ये जो घर के काम काज है और गृहस्थी के भांति जंजाल है वही अत्यंत दुर्गम और बड़े बड़े पहाड़ है। वही जो है इतने बड़े बड़े पहाड़ है कहते हैं क्या करें गुरु जी कोशिश करते हैं लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है। तो यही दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ है प्रमाण के। देखिए तुलसीदास जी कैसे लिखते हैं इस बात को कि कठिन कुसंग कुपंथ कराला तिनके बचन बाघ हरि ब्याला गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। यही बड़े बड़े पहाड़ हैं प्रभु इसको क्रॉस करके कहाँ आ सकते हैं वो ध्यान दीजिएगा। और क्या है कि इतने बड़े बड़े पहाड़ तो हो गए और इसके बीच में बड़े घने घने जंगल भी है। यही घर है इनके और आपके बीच में बहुत घने घने जंगल भी है हाँ। और जंगल ही नहीं है बहुत भयानक भयानक नदियां भी हैं सब कुछ इकट्ठा यार। अब देखिए आप काम काज का जंजाल देख ही रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूँ अगर आपको जहां लगे। अब देखिए मैं दिखा रहा हूँ कि कितने घने घने जंगल हैं और कितनी भयानक भयानक नदियां हैं यही बगल वाले घर और आपके घर के बीच में। कि मोह माने होता है अज्ञान। मोह मद और मान अभिमान मद घमंड हाँ अरे हम क्यों जाएंगे गुप्ता जी के हैं। यही जो है अभिमान और माने अभिमान और मान सम्मान ठीक है यही बिहार जंगल है। अब बेचारे मोह मद मान यही तीन बिहार जंगल है। और जो नाना प्रकार के कुतर्क है पता नहीं वो क्या हो गया गुप्ता जी पता नहीं क्या सुन रहे हैं वो कहां से पंडित एक ठो बुला करके रख लिए हैं। अब ही जो है दाढ़ी बाल पक्का नहीं बाबा जी बन गया पता नहीं
पता नहीं, ऐसे जो कुतर्क है, जो कुतर्क है वही भयानक भयानक नदियां हैं, यही नदियां हैं। जबकि देखिए कितना हम पवित्र भाव विचार बता रहे हैं कि भैया माता जी सब बढ़िया है, ऐसा है वैसा है, लेकिन लोग पता नहीं क्या क्या तर्क उतर्क करते रहते होंगे। तो करते रहते हैं। हाँ, प्रमाण के लिए करते भी रहेंगे। अब देख रहे हैं ना, करने दीजिए तो उसमें उनका क्या, वो अपना इसी भाव सागर में पड़े रहे, आप तो अपना निकलते चले जाएंगे। तो प्रमाण के लिए कि बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। अब यही जो है कि नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं, और मद मोह मान ये सब जंगल है। अब उनको क्रॉस करके आए तब ना अपना घमंड हटाएं, अगर उनके पास ताकत है तो हटाए, ताकत नहीं है, उनको घमंड करने में मजा आता है, लेकिन उनको क्या पता कि वो अमृत को छोड़ करके पत्थर ले रहे हैं, विष रूपी पत्थर, उनको अपने विषय में ही मस्त है। और देखिएगा कि ये इन लोगों के लिए बहुत अगम है, आपके लिए तो सुगम है क्योंकि आपके पास भक्ति है, लेकिन इनके लिए बहुत ही अगम है। तो अगम किसके लिए होता है वो भी मैं बता दे रहा हूं कि अगम किसके लिए होता है, कि जे श्रद्धा संबल रही तो नहीं संतन कर साथ, तिन कहूं मानस अगम यति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। एकदम साफ साफ बात है प्रभु कि जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है, यही बगल में रहते हैं, ना जा सकती हूँ सुनने को, करेगा दो बार कर दिया। तो कहते हैं कि सुनिए, अभी बात यह हो रही कि उनका जो बगल में घर है, जिनके बीच में इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, जंगल हैं, नदियां हैं, इनको तो क्रॉस करके आ नहीं सकते, लेकिन एक हवाई जहाज की व्यवस्था है, लेकिन उसका खर्च भी उनके पास नहीं है। वो हवाई जहाज क्या है, जो खर्च है उसमें रुपया पैसा से काम नहीं चलेगा, वो पैसा रुपया उस जहाज को नहीं चाहिए। क्या चाहिए इसमें? उनको श्रद्धा रूप चाहिए, श्रद्धा, अपनी श्रद्धा, आस्था। वो श्रद्धा भी तो नहीं है, श्रद्धा भी नहीं, तो श्रद्धा रूपी राह खर्च भी नहीं है। और जिनको संतों का साथ अच्छा नहीं लगता, संत को देखते हैं तो उनको गुस्सा आ जाता है। मैं भी जब हिमाचल से जब चला था तो रास्ते में बोलने वाले तमाम प्रकार से बोल रहे थे कि ये देखो आसाराम जा रहा है, कुछ भी बोल देते। आपने बुरा तो नहीं मानता? नहीं, मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये लोग है भी सही लोग है। तो हमसे बल्कि निकाल लोग बात भी किए, हमको रास्ते में पैसा भी देने का प्रयास किया, मैंने हाथ जोड़ा, मैंने कहा भैया अब एक पैसा भी कभी स्पर्श नहीं करना है जीवन में, मैं भूखे प्यासे भी ऐसे पड़ा रहता हूँ, हमको कोई मतलब नहीं है। तो कहते हैं कि जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है, और जिनको संतों का साथ अच्छा नहीं लगता है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। वो चाहे करोड़पति हो, अरबपति हो, वो नहीं सुन सकते, नहीं सुन सकते। इतना ध्यान दीजिए, आज जब मैं देख रहे हैं आपकी जो इतना बड़ा अमृत फ्री में मिल रहा है, तब भी कोई लेने को तैयार नहीं है। माने कहने का तात्पर्य है कि श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई भी इसे नहीं पा सकता। इसको पाने के लिए क्या चाहिए? श्रद्धा, सत्संग, भक्ति, वही भगवत प्रेम, यही चीज चाहिए। और अब यहां पर आया समझ में ना कि देखिए इतना बगल में घर है, लेकिन इतने बीच में इतने पहाड़, इतनी नदियां, इतने जंगल, सारी व्यवस्था है, जिसके कारण उनके लिए यह कथा अगम है। और अगर थोड़ा सा मेहनत करके अगर यह बात सुन लिया मेरा, और कहता क्या बात करते हैं, हम तो आएंगे, अगर कोई आ भी जाए, समझ रहे हैं,
अगर कोई आ भी जाए तो उसको क्या होगा कि जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। उसको उसको नींद आने लगेगी मेरी बात सुनकर के ही हो उसको बैठा बैठा सो जाएगा सारी हो जाएगी जी। हाँ तो देखो जी, नींद भी मैंने के दो, एक तो सुरूर होता है, एक नींद होती है। हाँ नींद में तो पता नहीं चलता, सुरूर में आनंद बढ़ाता है, आनंद बहुत आएगा जी। तो देख मुझे बहुत आनंद आता, सुरूर आ जाता मुझे जी जी, पर मुझे नींद नहीं आती। पर मैं देखा कई लोग सो जाते हैं, उनको सो जाएंगे जब कथा चलेगी तो उनको विषय रूपी चीज मिलेगा नहीं। हाँ वो बोल रहे हैं क्या क्या है ये मद मोह मान, क्या कुछ नहीं, हम तो बड़े कहीं अच्छे सो जाते हैं, सो जाते हैं। हमने भी देखा कहीं सो जाते हैं जी, उनकी कृपा नहीं होती ना उस पर। तो जी तो जड़ता जाड़े भी समय उरे लागा, गए हुन नमाजन पावे अभागा। और कहते हैं कि हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा, जो मूर्खता रूपी जो उनका कड़ा है, हाँ, माने मलिन बुद्धि, हाँ, उसमें जाड़ा लगने लगता है। जाड़ा माने कि ठंडी लगने लगती है। हाँ, हाँ, कि ये कहाँ से शुरू कर दिए, इसमें तो कुछ मजा ही नहीं आ रहा, क्योंकि मन ही निर्बल नहीं है, हम क्या करें। हाँ, और खेलने लगते हैं जी, और जिससे वहां जा करके भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाते हैं, इस तालाब में स्नान नहीं कर पाते और भाग जाते हैं, और आते हैं नींद आती है फिर भाग जाते हैं। कहते यहाँ कोई कुछ मजा नहीं है, कोई न तो म्यूजिक है न कुछ है, पता नहीं एक ठो पंडित जी कहाँ से आए हैं, बाल उल बढ़ा लिए है और हम पूरा बाबा जी बन गए हैं। तो देखिये इस तालाब में कौन स्नान कर सकता है। बड़ा अच्छे की बात है कि उससे उस सरोवर में स्नान और जलपान तो किया नहीं जाता, न तो यहां पर आकर के इसमें वो सुनेगा न समझेगा, और अभिमान सहित लौट के चला जाता है। हाँ, और जब यदि कोई उससे वहां का हाल पूछता है, कोई यहां आया और लौट के चला गया और किसी ने पूछा क्या भाई क्या हुआ, आप सुने नहीं वापस लौट आए। हाँ, अगर कोई हाल पूछता है तो अपने अभाग्य की बात को न कह करके वो इस सरोवर की निंदा करता है और उसको समझाता है उल्टा प्रकार से, चले यार वहां कुछ नहीं है सब बेकार है, निंदा करते हैं, निंदा करते हैं। हाँ, तो प्रमाण के लिए कि करी न जाई सर मजन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना, जौ बहोरी को पूछने आवा, असर निंदा करी ताही बुझावा। तो उसको निंदा करता है कि वहां कुछ नहीं है, सब ऐसे ही बोल रहे हैं, पता नहीं क्या बकबक करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बेवकूफ, जब तुम्हारा मन ही निर्मल नहीं है तो मैं कहां से समझाऊं, कैसे समझाऊं। अब जिसका मन निर्मल है, अब उसको देखिए खूब समझ में आ रहा है, उसको आनंद ही आनंद आ रहा है, वो जीते जीते ही बोल रहा है राम नाम सत्य है, और बहू बोल रही है कि नहीं ये क्या बोल रहे हैं आप। ध्यान दीजिए, चिंता मत करिए, सच बात है कि वही सत्य है, बाकी सब झूठा है। और इसके बाद क्या होता है कि ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते। देखिए ये सारे विघ्न, ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ये सब निंदा, ये सब कुछ नहीं, किसको नहीं व्यापेंगे, बाधा नहीं देते हैं, जिसे श्री रामचंद्र जी की सुंदर कृपा के दृष्टि से देखते हैं। जिनको श्री रामचंद्र जी कृपा के दृष्टि से देखते हैं उनको यह रोग नहीं व्याप्त होता। कृपा अब देखिए उन्हीं की कृपा, आप कितनी बड़ी कृपा हुई है इस बात को महसूस करिएगा। यदि आपको नहीं हो रहा है ऐसा, इसका अर्थ है कि उनके अंदर सुंदर कृपा की दृष्टि आपके ऊपर है।
अब जब दृष्टि पड़ गई महाराज, तब बताइए अब क्या, अब आपको कहां बीच में कोई रोकेगा, आप प्रसार हो गए थे मुक्ति मुक्ति मुक्ति। अरे जब उनकी दृष्टि पड़ गई, कृपा हो गया और सारी बात अब सुलभ हो गई, कल्प वृक्ष के अंदर बैठा दिया गया, तो फिर भक्ति मुक्ति तो बहुत छोटा सा बात हो गया, सब मिल जाएगा। तो कहते हैं कि वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है, यानी प्रेम सहित सुनते हैं। अब आप स्वयं महसूस करिए कि यदि आप प्रेम सहित सुन रहे हैं तो आपके ऊपर श्री रामचंद्र जी की सुंदर कृपा दृष्टि पड़ गई है, ध्यान दीजिए। और यह कृपा दृष्टि मात्र शंकर जी के भक्ति के कारण ही पड़ी है, ये भी आप जान लें। आज ये गुण रहस्य है कि अगर आप शिव भक्त न होते तो शायद काम नहीं बनता। जी जी। और कहते हैं कि महान भयानक जो त्रिताप से, त्रिताप क्या होता है कि आध्यात्मिक, दैहिक, दैविक, भौतिक। आप सुने होंगे तीन प्रकार के ताप होते हैं। दैहिक माने शरीर की बीमारी, दैविक कोई जो है कि देवताओं का द्वारा जो बीमारी फैलाई जाती है, और भौतिक प्राकृतिक आपदाओं से। ऐसा जो है इसमें वो नहीं जलता, माने उसका मन इसमें नहीं जलता, वो चाहे जितना बीमार हो कुछ हो, लेकिन उसका मन एकदम पवित्र रहता है, वो सुन लेता है बड़े आराम से। ये राम जी के कृपा के कारण हो रहा है, इसमें अपना व्यक्ति का कोई पुरुषार्थ नहीं है। तो कहते हैं प्रमाण के लिए कि सकल विघ्न व्यापहिं नहीं तेहिं, राम सकृपा बिलो कहीं जेही। जिस पर राम जी सुंदर कृपा करके देख लेते हैं, उनको यह जो है कि समस्या नहीं आती है। और सोई सादर सर मजनु करई, महा घोर त्रय ताप नजरई। और कहते हैं कि जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरणों में सुंदर प्रेम है, जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। अब जब मैं सुना समझा, जब मैं जान गया तो मैं इनको पकड़ लिया, बाकी सारा संसार छूट गया। समझ रहे हैं ना कि जिनका सुंदर प्रेम है, सच्ची भक्ति है, वो जब एक बार स्नान कर लेते तो कभी इनको छोड़ते नहीं। यही कारण है माता जी कि मैं इस अवस्था में भी बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मस्त हो, हमें किसी का कोई दिक्कत नहीं है। और कहते हैं भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे तो मन लगा के सत्संग करे, संतों का अगर साथ रहेगा तभी उनकी कृपा, तभी उनकी कृपा होगी। हरिओम हरिओम हरिओम। तो कहते हैं कि जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वो मन लगा के सत्संग करे, हाँ उसमें कोई दिक्कत न हो। प्रमाण के लिए कि ते नर यह सर तजहिन काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ, अजो नहाई चह यही सर भाई, सो सत्संग करऊ मन लाई। मन लगा के खूब सत्संग करेंगे तभी जो है इसके प्रति प्रेम बढ़ेगा, ऐसे नहीं बढ़ेगा। तो आपका चूंकि संतों के अंदर काफी जो है कि रुचि पहले से रहा होगा। मेरी बहुत रही रही है। जब मैं अभी बचपन था ना जी, आप जैसे संत मिले थे, मैंने कहा कि मुझे गुरु धारणा, बोलता था नहीं पहले पढ़ो, तुम्हारे जिस माता माँ है, मेरे पिता तो मैंने देखा नहीं है, माँ देखी थी, कहते तुम्हारी माँ ही गुरु है। जी जी। जब बड़े हो जाए फिर चलो बड़े हो जाए, कोई बात नहीं। और कहते हैं कि इस मानसरोवर को हृदय में, हृदय के नेत्रों से देखकर और इसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो जाती है। जो इसमें है, जैसे अब
गोता लगाया। हाँ। खूब जो है रामचरितमानस को पूरा हिंदी में अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके पूरा का पूरा कई बार मैं पढ़ चुका हूँ समझ चुका हूँ। तो वही कहते तभी जाकर के बुद्धि निर्मल हुई है। हाँ। और हृदय में आनंद और उत्साह भर जाता है। हाँ। और प्रेम और आनंद का प्रवाह उमड़ गया बिल्कुल। हाँ। इसीलिए तो सब कुछ छूट छाड़ गया। जय हो। और बड़ा मजा। अरे कहाँ शादी, अब बताया तो शादी करने के लिए चला था, सब बाबा बना दिए तो कुछ। अब वो बाद में चर्चा करेंगे इसको। ये प्रभु की कृपा है। वो बोले कि नहीं आपका वो इसलिए क्योंकि अगर मैं शादी कर लेता तो सरदारी लाल जी को सुनाता कौन, तब तो हम मैं बाप सारे से कैसे पार होता। तो बोले कि आपको जरूरत नहीं है, ये भगवान ने जी नहीं मेरा यही है जो शादी नहीं कर। मेरी शादी नहीं हुई और मेरी पत्नी सती हो गई। चिंता नहीं करियो, बहुत सारा रहस्य है। अभी देखिएगा कि इस बात को कहते हैं कि असमानस मानस चख चाही भई कवि बुद्धि विमल अवगाही अभय हृदय आनंद उछाहू उमगे प्रेम प्रमोद प्रवाहू। और जब पूरा जब आनंद का प्रवाह उमड़ आता है तब उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह करके निकली जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। और इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है। सरयू नदी है जो कि अयोध्या के उत्तर में वो बहती है। और कहते हैं कि जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ ही है। सुंदर मंगलों का जड़ ही है। और लोकमत और वेद मत जो इसके सुंदर दो किनारे हैं इस नदी के, लोकमत और वेद मत। अब सारे वेद तो इसको नेति नेति कह के गा रहे हैं, तो एक वह किनारा है और लोकमत में से आप लोग हैं तो आप लोग भी इसको कहेंगे कि नहीं ये बहुत अच्छा किनारा है। तो इसके दो किनारे हैं और इसी में जो है ये सरयू रूपी ये नदी ही है कथा। और इसमें जो है कि सारे पापों को पूरा का पूरा नाश कर देती है। प्रमाण के लिए कि चली सुभग कविता सरिता सो राम बिमल जस जल भरिता सो असरजू नाम सुमंगल मूला अलोक वेद मत मंजुल कूला। बस बस। और कहते हैं कि यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनको और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। जितने भी पाप कर्म हैं, पाप विचार हैं, सबको बिल्कुल उखाड़ करके फेंक दे रही है। प्रमाण के लिए कि नदी पुनीत सुमानस नंदिनी कलिमल त्रिन तरु मूल निकंदिनी। बिल्कुल आप लोग सोचते हैं कि अरे बहुत पाप हो गया, कुछ नहीं। आप इसमें गोता लगाइए, मन को निर्मल करिए, मन वाणी कर्म को पवित्र करिए, एकदम कल्याण हो जाएगा। और कहते हैं कि तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज। देखिए श्रोता तीन प्रकार के होते हैं और ये समाज ही नदी के दोनों किनारे पर बसे हुए पूर्वे गांव, मतलब पूरा होता है ना कॉलोनी, कॉलोनी गांव और नगर है। कॉलोनी गांव और नगर है। और संतों की सभा ही, जो संतों की सभा है, आप को अभी बता दूं कि इस समय अयोध्या आपके घर के अंदर ही आकर के बैठा हुआ है। कि ये सुंदर सभा ही सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी ही है। और यही मैं प्रमाण देकर के बात को विराम दूंगा।
कि श्रोता तिविधे समाज पुर ग्राम नगर दुहकुल असंत सभाय अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। ये सारे सुमंगलों का मूल ही है प्रभु। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भक्त शिरोमणि सरदारी लाल जी की जय। हर हर महा।